हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लो वोल्टेज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्क्रीन को कैलिब्रेट कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत रेयर इश्यूज है जो साइट्स पे आपको मिलते हैं। जनरली मेंटेनेंस के दौरान ये आपको रेगुलरली सपोर्ट करेगा ये ऑप्शन। मेनली क्या होता है कि ये जो टच स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस LED टच स्क्रीन में कई बार ये होता है कि हम मेनू में जाके जैसे पासवर्ड डाल रहे हैं या कोई मेनू प्रेस कर रहे हैं, उस टाइम 1 प्रेस करते हैं तो वो 4 प्रेस होता है, या 2 प्रेस करते हैं तो वो 6 प्रेस होता है। ऐसे हैपजटली इसके ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें ये करना होता है कि इसको एक बार सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके इसको कैलिब्रेट करना होता है। तो इस कैलिब्रेट प्रोसेस को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, एक बार देखिए। जैसे कि ये पैनल हमारे पास डाटाबेस पहले से है, तो इसको हम सिलेक्ट करने के बाद टूल्स में जाएंगे। टूल्स के अंदर हम सबसे पहले सेटिंग्स में जाके चेक कर लेंगे कॉम्पोर्ट सिलेक्टेड प्रॉपरली है कि नहीं है, जो हमारा एग्जैक्टली कॉम्पोर्ट ड्राइवर के लिए है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में स्टेप में टूल्स में जाके कैलिब्रेट स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे, जिसमें हम जाने के बाद हमें दो ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगा, ओके एंड कैंसिल। तो जैसे हम ओके करेंगे, आप देखेंगे पैनल के अंदर एक स्क्वायर सा बॉक्स क्रिएट हो गया है लेफ्ट साइड में, टॉप में। ऐसे करके चारों कॉर्नर पे ये बॉक्स आता है, तो इसके बीच में हमें फिंगर से या किसी पेन से भी आप टच कर सकते हैं, बट पॉइंटेड कुछ चीज से आप टच ना करें, क्योंकि डिस्प्ले डैमेज हो सकता है। तो ऐसे करके हमें बिल्कुल इसके सेंटर में टच करना है चारों बॉक्स के। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल स्क्रीन में आता है, और यहाँ से सॉफ्टवेयर से भी ये ऑप्शन अपने आप रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये स्क्रीन कैलिब्रेट ऑप्शन से आप स्क्रीन का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं।